क्या आपको पता है किसी भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं और उसके बाद ही आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना है ये बहुत बार डिपेंड करता है आपकी एज पर भी। लेट्स से अगर आपकी एज 20 से बिलोंग करती है, 30 से बिलोंग करती है, तो आप इक्विटीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और डेट इंस्ट्रूमेंट्स और एफडीज में कम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपको सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एज 20 या 30 में बिलोंग करती है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो पर थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे लोग सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर एज अचीव करने के बाद में बहुत सारे लोगों की ये सोच होती है कि उनके पास एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जहां पर उन्हें फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न मिले और इसी के साथ साथ उनके प्रिंसिपल की सेफ्टी भी हो। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आपके इन्वेस्टमेंट करने का पैटर्न क्या होना चाहिए और किस हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजन को ले सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जानने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि कौन कौन से वो ऑप्शंस हैं जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बेस्ट ऑप्शन जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं वो है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है कि आपने कंट्री की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट किया है और कंट्री की इकोनॉमी जिस तरीके से ग्रो करेगी, जिस तरीके से इंडिया का स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा, उस तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट्स की ग्रोथ भी होगी। करंटली अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारे इंडेक्स फंड्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आप लोग निफ्टी 50 प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेंसेक्स के प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सेकंड स्कीम जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है फ्लेक्सी कैप फंड्स। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि यहां पर अलग अलग मार्केट कैप वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है जहां पर आप लोगों को मल्टीबैगर रिटर्न्स कमाने को मिल सके। मार्केट में ऐसी बहुत सारी स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनी है, ऐसी बहुत सारी मिड कैप सेक्टर की कंपनी है, ऐसी बहुत सारी लार्ज कैप सेक्टर की कंपनी है जहां पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। लेट्स से अगर आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पर हर एक सेक्टर का एक्सपोजर मिले और उन सारे सेक्टर की टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है, तब यहां पर ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होता है। अगर आप लोग इंडेक्स म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन इंडेक्स म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में काफी बार यहां पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। लेकिन वहीं पर इस म्यूचुअल फंड के रिस्क प्रोफाइल की बात की जाए तो इस म्यूचुअल फंड का जो रिस्क प्रोफाइल है वो काफी ज्यादा हाई होता है और यहां पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपको रिस्क भी ज्यादा बियर करना पड़ता है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे पहले कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि अगर आप लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहां पर आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर आप लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा दिखाई देती है कंपेयर टू लॉन्ग टर्म। और अगर आप लोग म्यूचुअल फंड के मार्केट में देखेंगे तो म्यूचुअल फंड के मार्केट में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप लोग कंपैरेटिवली देखेंगे तो यहां पर अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न्स भी अट्रैक्टिव होते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न भी मिले और आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी भी हो तो आप लोग बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेसिकली इस फंड में क्या होता है कि इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड के इक्वल प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एक तरीके का हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जहां पर आपको इक्विटी का एक्सपोजर भी मिलता है और इसी के साथ साथ डेट इंस्ट्रूमेंट्स का भी एक्सपोजर मिलता है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट्स की स्कीम में। अगर आपकी एज ज्यादा है और आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स तो नहीं कमाना चाहते लेकिन आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी एक प्रायोरिटी है, तब यहां पर आप लोग एफडीज की स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, कितना कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आपकी एज 30 इयर्स की है तो आप इंडेक्स फंड में 35% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप में 40% के आसपास का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और स्मॉल कैप फंड में कर सकते हैं 25% का इन्वेस्टमेंट। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट कम करना है। अगर आपकी एज 40 इयर्स की है तो आपको 40% इन्वेस्टमेंट करना है इंडेक्स फंड में, 45% इन्वेस्टमेंट करना है फ्लेक्सी कैप फंड में और 15% का इन्वेस्टमेंट करना है स्मॉल कैप फंड्स में। लेकिन वहीं पर अगर आपकी एज 50s में आ जाती है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है 45% का इंडेक्स फंड में, फ्लेक्सी कैप फंड में भी 45% का इन्वेस्टमेंट करना है और 10% का इन्वेस्टमेंट करना है स्मॉल कैप फंड्स में। लेकिन वहीं पर अगर आपकी एज 60 इयर्स से ज्यादा हो जाती है, मतलब यहां पर आपका जो मेन एम है वो हो जाता है प्रिंसिपल की सेफ्टी का और इसी के साथ साथ आप लोग ये भी चाहेंगे कि आपको फिक्स इनकम कमाने को मिले एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से, तब वहां पर आप 30% के आसपास का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडेक्स फंड में और 30% का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड में जहां पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न भी कमाने को मिलेंगे और प्रिंसिपल की सेफ्टी भी होगी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट आप लोगों को 40% के आसपास का अमाउंट रखना है एफडी की स्कीम में। अगर आप लोग 40% का एफडी की स्कीम में रखेंगे तो आपको जरूरत पड़ने पर आप अपनी एफडी को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट में बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप लोग इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इतने ज्यादा रिटर्न कमाने को मिलेंगे, अगर आप लोग इस वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इतने रिटर्न कमाने को
को मिलेंगी। लेकिन अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मतलब कि जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म करेगा उस तरीके से म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स भी परफॉर्म करेंगे। मार्केट में कोई भी गारंटी नहीं देता कि म्यूचुअल फंड में इतने रिटर्न्स आपको कमाने को मिलेंगे या डेफिनेटली आप लोग इतने प्रॉफिट्स कमाएंगे। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको आपके रिस्क प्रोफाइल का असेसमेंट करना है और उसके बाद ही प्रॉपर रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करना है। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।